हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज़। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों बेहद डरी हुई हैं। उन्हें अपनी और परिवार के जान की चिंता सता रही है। अपनी नन्ही सी बेटी तारा की सुरक्षा को लेकर वो काफी घबराई हुई हैं। दरअसल माही विज को उनके कुक ने छुरा घोंपने की धमकी दी है, पूरे परिवार को जान से मार देने की बात कही है। हाँ, ये कल हुआ था और आज भी हम दिन में पुलिस स्टेशन में थे क्योंकि वो 3 दिन हमारे घर काम कर रहा था। अभी उसकी बैकग्राउंड पता चली है तो उसने दिल्ली में भी कहीं सेम चीज की थी और उसको अरेस्ट कर लिया है और उसके वीडियोज हैं जहाँ उसने मुझे बोला है कि वो मुझे स्टैब करेगा और कुछ दिन पहले ही माही ने अपने घर पर टेम्परेरी कुक रखा था। माही की माने तो उनका कुक राशन के पैसों में हेरा फेरी और चोरी करता था। बहुत जल्द माही विज को उसकी चोरी का पता चला। जब माही के पति जय भानुशाली ने उससे हिसाब मांगा तो वो हिसाब नहीं दे पाया। माही विज ने आगे बताया, हिसाब देने की बजाय कुक उन्हें और उनकी फैमिली को धमकी देने लगा, शराब पीकर उनके घर पर हंगामा करने लगा। उसने कहा कि मैं 200 बिहारी घर के बाहर लाकर खड़ा कर दूंगा। फिर वो फोन पर भी धमकी देने लगा। मैंने उसकी शिकायत पुलिस में की, बच्चों की नैनी ने मुझे भी पहले अलर्ट किया था, वो अब भी हमें धमकी देता है। पुलिस कंप्लेंट के बाद माही विज को धमकी देने वाले कुक को अरेस्ट कर लिया गया और कुछ दिन वो जेल में भी रहा। लेकिन जब से वो जेल से बाहर आया है माही का डर और ज्यादा बढ़ गया है। एक्ट्रेस इस बात से डरी हुई है कि अब वो उन पर हमला कर सकता है। माही सबसे ज्यादा अपनी 2 साल की बेटी तारा को लेकर फिक्रमंद हैं। एक्ट्रेस का कहना है कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो बेहद डरी हैं। माही का कहना है कि जब हम थाने गए तो वो लगातार मुझे फोन करता रहा, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। क्या होगा अगर उसने मेरे छुरा घोंप दिया? अगर मुझे कुछ हुआ तो लोग बाद में विरोध करेंगे, इससे क्या होगा? मैं अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बेहद डरी हुई हूँ। मैंने सुना है कि वो जमानत पर बाहर आ गया है, क्या होगा अगर वो वास्तव में वही करता है जिसकी उसने धमकी दी है? माही ने इस घटना पर ट्वीट भी किए थे जिन्हें बाद में माही ने डिलीट कर दिया था। जय और माही दोनों अपडेट के लिए लगातार पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और कुक के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। माही ने बताया है कि पुलिस ने उसके बैकग्राउंड के बारे में भी पता किया। जांच के बाद मालूम हुआ कि वो पहले भी दिल्ली में ऐसा कर चुका है, रसोईया पहले भी लोगों के घर में चोरी कर रहा था। माही ने बताया कि उनके पास ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि कैसे रसोइये ने गाली दी और उन्हें चाकू मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि धमकी देते हुए कुक की एक वीडियो भी उनके पास है। इससे पहले इसी साल मई में भी माही विज चर्चा में थीं। माही ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर खुलासा किया था कि कैसे एक शख्स ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी और फिर उल्टा उनके साथ गाली गलौज करने लगा। उस शख्स ने माही को रेप की धमकी भी दी थी। उन्होंने इस व्यक्ति की कार की नंबर प्लेट भी साझा की और मुंबई पुलिस से सहायता मांगी थी। आपको मालूम हो कि माही विज ने साल 2011 में जय भानुशाली के साथ शादी की थी। एक्ट्रेस ने 2019 में बेटी तारा को जन्म दिया। बेटी की परवरिश की वजह से माही विज इन दिनों टीवी की दुनिया से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं। वहीं जय भानुशाली पिछले दिनों बिग बॉस 15 में शामिल हुए थे और एक्टर ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। उर्फी को मिली जान से मारने की धमकी, उदयपुर हत्याकांड का विरोध करना पड़ा भारी। धमकी देने वाले शख्स पर उर्फी का भड़का गुस्सा। उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस में जहां पूरा देश इस समय आक्रोश में है, तो वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद ने भी इस हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है। उर्फी ने इस हत्या पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इंस्टा स्टोरी पर वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो को शेयर करते हुए उर्फी ने लिखा, हम कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह ने नहीं कहा कि उनके नाम पर नफरत फैलाएं या किसी की हत्या की जाए। अब उर्फी का ये बयान कुछ लोगों को पसंद नहीं आया।
और हर बार की तरह लोगों ने उन्हें फिर से ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने उन्हें भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया तो किसी ने उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे दी। वैसे तो उर्फी हमेशा ही अपने साथ हुए ट्रोलिंग को बेहद ही बेबाक तरीके से डील करती है, लेकिन इस बार उर्फी ने एक ट्रोलर के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की है और इस बात की जानकारी खुद उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम पर ही दी। दरअसल उर्फी अपना गुस्सा उस वक्त कंट्रोल नहीं कर पाई जब साजिद चिप्पा नाम के एक शख्स ने उन्हें मारने की धमकी दे दी। उस शख्स का कमेंट पढ़कर उर्फी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने साजिद के मैसेज का स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उर्फी ने लिखा, तुम जो गंदी भाषा का मेरे लिए इस्तेमाल करते हो उसे मैं आमतौर पर इग्नोर करती हूँ, लेकिन अब ये अस्वीकार्य है। अपने पोस्ट पर उर्फी ने आगे लिखा, मैं इस शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने जा रही हूँ जो धर्म के नाम पर मुझे मारने की धमकी दे रहा है, जो सारे एक्सट्रीमिस्ट लोगों के लिए एक सबक की तरह होना चाहिए। जेल में अपना टाइम एंजॉय करना साजिद। अपने इस पोस्ट के साथ उर्फी ने मुंबई पुलिस को भी टैग किया है। अब उर्फी का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि सारा मामला नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति की उदयपुर में दिन दहाड़े बेरहमी से गला काट कर हत्या कर दी गई, उसका नाम कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार ने नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी पर समर्थन करते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसके बाद से कन्हैया को उनका सिर कलम करने की धमकी दी जाने लगी, लेकिन इन सब के बाद 27 जून को कन्हैया कुमार की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब हर तरफ आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इस हत्याकांड पर आए दिन लोग अपने पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उर्फी से पहले बीते दिनों कंगना रनौत, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा जैसी कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया था। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं E24 न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। 14 अगस्त 2020 को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था खुदा हाफिज, और तकरीबन 2 साल के बाद इस फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हो रहा है। समीर और नरगिस की ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन इस बार इस कहानी में क्या कुछ होने वाला है ये बताने के लिए मेरे साथ विद्युत और शिवालिका मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए विद्युत, एक्शन दमदार है इस बार और आप लग रहे हैं और दमदार, इमोशंस भी और दमदार हो गए और डबल देखने को मिल रहे हैं। डायरेक्टर साहब ने कितनी मेहनत करवाई है इस बार? डायरेक्टर साहब ने खुद भी बहुत मेहनत की है इस बार। अच्छा। इस बार उनको लिखना जब पढ़ा दूसरा भाग अग्नि परीक्षा, हाँ। उनके दिमाग में तो था प्रेशर कि लोगों को पहला भाग बहुत पसंद आया, अब क्या किया जाए इमोशंस के साथ। सो बहुत मेहनत भी की और करवाई भी है, एंड जिस तरह से फिल्म बन के आई है मैं बहुत खुश हूँ। इस बार तो डायरेक्टर इसमें एक्शन कोरियोग्राफी भी करी है उन्होंने, लिरिसिस्ट भी हैं इसमें। फारूक कबीर बहुत उम्दा डायरेक्टर हैं, एक्शन कोरियोग्राफी पूरी कहानी भी उन्होंने लिखी है डायलॉग्स के साथ। पहले भाग में भी जो गाने हैं जो हिट भी हुए हैं उसमें हमने कोरियोग्राफर लिया नहीं था, क्योंकि जिस तरह से वो देखते हैं, जिस तरह से स्टोरीज बनाते हैं, सो वैसे कि जैसे मैंने कहा बहुत उम्दा डायरेक्टर है। शिवालिका, थर्ड फिल्म है आपकी, पहले में गर्लफ्रेंड, सेकेंड में वाइफ एंड नाउ मदर, ये जो इमोशंस का जो इतना मेच्योरिटी आती जा रही, किस तरह से कैरेक्टर को आप इन्वॉल्व होती हैं इन कैरेक्टर्स में? आप इन्वॉल्व हो जाती हूँ इसके लिए हर मूवी में चेंज आ रहा है। मुझे लगता है हर मूवी के साथ आई एम लाइक चैलेंजिंग माई सेल्फ, विच इज़ वाई आई थिंक द ऑडियंसेज आर इवन लाइकिंग इट इवन मोर। सेम चीज़ें करोगे तो मतलब मज़ा ही नहीं एज एन एक्टर। आई एम प्लेइंग अ मदर ऑफ एन अडॉप्टेड चाइल्ड, फीलिंग ही अलग है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सोशल इशू, तो It's been fun, very different. जैसे आपने कहा पहले girlfriend, फिर बीवी, फिर माँ, ये तो normal चल रहा है। और ये बताइए उस बच्ची के साथ शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बच्चों के साथ शूट करना इतना आसान होता नहीं कहते हैं। मैं तो बच्चों के साथ वैसे भी बहुत अच्छी हूँ, आई लव किड्स, एंड वो जो बच्ची जिसके साथ हमने शूट किया है वो तो इतनी प्यारी है, वो इतनी ब्रिलियंट एक्टर है, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, तो मज़ा आया शूट करके उसके साथ। काफ़ी अच्छे सीन्स निकले हैं, जब लोग फिल्म देखेंगे तब उसकी भी तारीफ होगी और हमारी भी तारीफ होगी। अच्छा, ट्रेलर पे कमेंट्स पढ़े हैं आप लोगों ने? शुरू में तो पढ़े थे काफ़ी। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कि विद्युत की तारीफ ही नहीं खत्म हो रही है, शिवालिका के लुक्स पे ही कमेंट्स हो रहे हैं सारे कि भाई क्या एक्टिंग है, तो कोई एक ऐसा कॉमेंट जो आपने देखा हो जो आपको बहुत पसंद आया? ऐसे में तो याद नहीं आ रहा है। द वेट इज ओवर। हाँ, लोग तारीफ
मज़े किस चीज़ के आ रहे हैं कि हमने पहला भाग जो था OTT में रिलीज़ किया था और उस समय नया नया पैंडमिक शुरू हुआ था, वी वर द फर्स्ट मूवी जिसने OTT में रिलीज़ किया। घबराहट बहुत थी कि थिएटर में नहीं आ रहे हैं आप, TV पे आएंगे। मुझे जो कमेंट्स पसंद आए हैं कि लोग कह रहे थे कि बहुत, जैसे उन्होंने कहा वेट इज़ ओवर, पीपल हैव बीन वेटिंग। बड़े पर्दे में देखने का एक अलग मज़ा होता है और इस बार हमने पूरा जहन में रखा था कि बड़े पर्दे में जब लोग देखेंगे तो कैसा लगेगा। अच्छा, जैसे आपने बोला कि पहले पहली फिल्म थी OTT पर आ रही थी, आप चाहते थे बड़े पर्दे पर रिलीज हो उस टाइम पे, अब बड़े पर्दे पर आ रही है OTT पे नहीं इस बार, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि मास ऑडियंस देखने के लिए जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर है? नहीं, प्रेशर वैसा नहीं है, बट ऊपर वाले से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि होएगा कि नहीं इस बार, मतलब बता दो। तो मैं प्रेशर डाल रहा हूँ ऊपर वाले के ऊपर, अपने ऊपर इतना ज़्यादा नहीं है। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और जैसे आपने बोला मासेस, जिस तरह से एक्शन है, हमने, मैं पहले भी एक्शन करता हूँ बट चूंकि खुदाहाफिज़ एक अलग, बिल्कुल एक अलग इमोशनल फैमिली ड्रामा है, एक्शन के बारे में हमने बहुत सोचा। तो अब जो भी देखते हैं, जिन मेरे दोस्तों ने देखा है जो रियल लाइफ में भी टपोरी हैं, वो कहते हैं अरे भाई हमारी तरह की तो लड़ाई हो रही है। सो प्रेशर है ऊपर वाले को, देसी स्टाइल है, मतलब रियल में जैसे लड़ता है। तो इस बार शूटिंग कहाँ पे हुई? पिछली बार क्योंकि दुबई था शायद। हाँ, हमने पहला भाग जो था वो उज़्बेकिस्तान में शूट किया था, लखनऊ के अलावा। अच्छा। इस बार फिर हमने लखनऊ और इजिप्ट में शूट किया। अच्छा, तो इजिप्ट के सीन्स बहुत कम ट्रेलर में डाले गए हैं। नहीं, सब थोड़ी दिखा देंगे। कुछ तो बचा के रखेंगे। अच्छा, ये एक्शन जो इस बार शूट किए गए, इसका शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? कुछ नया सीखा आपने? क्योंकि आप तो वैसे भी सब कुछ कर ही लेते हैं, बोलने की जरूरत नहीं। सब कुछ अभी नहीं कर सकता हूँ, अभी तो बहुत कुछ कर सकता हूँ फ्यूचर में। अलग इसलिए था क्योंकि एक नॉर्मली जब मैं फिल्मों में लड़ता हूँ तो मुझे एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट या आर्मी कमांडो या फिर जो जानवरों का रक्षक होता है, एक ट्रेंड आदमी होता है। यहाँ पे कॉमन मैन की कहानी है और वो कॉमन मैन वो है जिसने कभी लड़ा नहीं है ज़िंदगी में, मगर जब कभी आपके बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो अगर आपको लड़ना नहीं भी आता है तो अंदर से कुछ तो सिखा देता है। ये मैंने सीख लिया कि जो माँ बाप कहते हैं कि हमसे ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है, हमारे अपने बच्चे नहीं हैं, बट वो एक्सपीरियंस तो हो गया कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो सच कहते हैं। अगर आप नहीं भी लड़ सकते हैं, आप जान ले लेंगे अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाए। अच्छा, कास्टिंग में बहुत इस बार बेहतरीन मैं देख रही हूँ, कई अच्छे कलाकार इसमें जुड़े हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ शूट करने का? वो एक्चुअली इतने एक्सपीरियंस है शिवा मैम, आई फील इतना सीखने को मिला है उनसे। शी इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हर सेल्फ, लाइक आई फील हर सीन में जो अलग नुआंसेस के साथ आती है, खुद पूरा सीन समझ के एक चीज़ डिफरेंट शी डज एंड द होल सीन चेंजेस। उसका एक शॉट आई थिंक ट्रेलर में भी है, ये वाला जो है वो मेरा फेवरेट सीन है, तो आई फील आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। आप दोनों की जोड़ी को भी बहुत पसंद किया जा रहा है, ये आगे भी देखने को मिलेगी? आई होप सो। और हक हुसैन की अगर मैं बात करूं, ये गाना मेरे ख्याल से पहला ऐसा गाना होगा इंडिया का जिसमें एक्शन सॉन्ग ये कहा जा रहा है जी, है ना? तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि पहली बार इस तरह से इस गाने को शूट किया गया कोई ऐसा गाना? जब हम एक्शन देख रहे थे और एक लाचार बाप की कहानी है और जो हुसैन साहब की पूरी ज़िंदगी का मुद्दा भी यही है कि अकेले लड़ पड़े सबसे निडर होके, जब हमने एक्शन पीस देखा तो बोली आवाज़ें नॉर्मली डालते हैं हम लोग डबिंग में, बट हमने रियलाइज़ किया कि इस गाने, अगर इस एक्शन पीस को एक एंथम दे दिया जाए या वॉर क्राई दे दी जाए, ऐलान जंग कर दिया जाए म्यूज़िक के साथ, तो कैसा लगेगा। हमने आजमाया और अच्छा लगा एंड जिस तरह से लोगों को पसंद आ रहा है, खुश है। और जब आपने ये कहानी सुनी थी शिवाली का कि सेकंड पार्ट आना है, ये तो तय था क्योंकि लोग इसका इंतज़ार ही कर रहे थे, जब भी आपने कहानी सुनी कि इस बार ये होने वाला, आप प्रॉपर अपनी तरफ से तैयार थे कि नहीं इस बार भी धमाका होगा? धमाका तो खुदाफिस के साथ तो होगा ही होगा। जब पहली पार्ट ने इतना बड़ा धमाका किया है, हमारी पिक्चर मुझे लगता है फर्स्ट फिल्म थी जो इतनी बड़ी हिट हुई है OTT पे, लोग 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं खुदाफिस 2 का। मुझे हर रोज़ मैसेजेस आए लोगों के, वे वेटिंग टू सी समीर नरगिस बैक, तो धमाका तो होगा डेफिनेटली। और ये जो प्रमोशंस चल रहे हैं अभी, पिछले साल तो OTT पे सब कुछ रहा है, ये जो लाइव मिलना और ये सब है, जो ऑडियंस से मिलना, आप अभी हैदराबाद भी गए थे प्रमोशंस के लिए, वो सब एक्सपीरियंस एक बार अपने फैंस से बताइए। लोगों से मिलना तो हर बार अच्छा ही लगता है, राइट? और एक अगर आप एक्टर हों तो अगर आप लोगों से ना मिले तो वो एक
कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि आप अपने घर में ही होते हैं नॉर्मली, आप अपने दोस्तों के साथ सराउंडेड होते हैं क्योंकि आप ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। जैसे हम हैदराबाद गए हैं, हम लखनऊ गए, इंदौर गए हैं, जिस तरह से लोगों से मिलके मज़े आ रहे हैं अलग है। जैसे तीन फिल्में हुई अभी तक, दो खुदा हाफिज से ही हो गई, नेक्स्ट किस तरह का क्या आप कैरेक्टर चूज़ करना चाहेंगी, किस तरह से अपने आप को आगे करियर की अपने गाड़ी को अगर देखती हैं तो किस तरह से लेके जाएंगी? कुछ अलग करना चाहूँगी अब। खुदाफिज़ वन हो गया, खुदाफिज़ टू, दीज आर रियल लाइफ कैरेक्टर्स, नाउ आई थिंक रोम कॉम, कॉमेडी, मे बी हॉरर, समथिंग डिफरेंट। और विद्युत आप? मैंने अभी एक फिल्म ख़त्म की है जिसका नाम है IB-71, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में, पहली फिल्म है हिंदुस्तान की, मैंने प्रोड्यूस भी की है। उसके बाद मैं एक फिल्म शूट कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है क्रैक। अच्छा, तो चल रहा है पागलपन, तो एक्शन सब में होने वाला भरपूर, रोमांस के साथ, रोमांस के साथ एक्शन वाला। और ये बताइए हमें अपनी गाड़ी में आप कब घुमा रहे हैं? आप जिस दिन मुझे दिख जाएंगे ऐसे कर देना, मैं रुक जाऊंगा। आप दिल्ली में कहाँ घूमते हैं? मुंबई में रहते हैं, कहाँ यहाँ पे आ रहे हैं? आप बॉम्बे आएंगे तो घुमा दूंगा। चलिए ठीक है, आ जाएंगे। एट लास्ट अपनी ऑडियंस से क्या बोलना चाहेंगे खुदा हाफिज टू के लिए? बोलिए। हमें एक्चुअली कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंसेस ने इतना प्यार दिया है, मुझे लगता है देते रहेंगे, तो प्लीज़ गो वॉच द फिल्म एंड आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू वॉच दिस फिल्म। बहुत सारे सोशल इश्यूज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट मोर इंटेंसिटी, इमोशन, ड्रामा, एक्शन। लोग बोलते रहे कि अरे एक्शन और नरगिस थोड़ी कम दिखी है फर्स्ट पार्ट में, पूरी कसर पूरी कर दी अभी खुदाफिस टू में। सो नहीं नहीं, विद्युत करते हैं तो बहुत काफी है, बस वही काफी है, बहुत है। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि 8 जुलाई को फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है, प्लीज आइएगा। जैसे आपने मुझसे पूछा था क्या कमेंट पढ़ के आप सोचते हैं, मुझे अक्सर बोला जाता है कि विद्युत सर आप हमारी तरह हैं, आप आउटसाइडर हैं, आपको ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। मुझे लगता है अब समय आ गया है, हम लोग आपके पास आ रहे हैं फिल्म के साथ, जरूर देखिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। थैंक यू।